सच मुझे आप दयालु हैं। दया के साथ मेरे प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर पिता मित्र धन्यवाद करता हूँ, तेरी आशीष को तेरी बरकत को जाता हूँ प्रभु जी। हर पल हर शब्द हमें धन्यवाद होना सिखा मेरे पिता परमेश्वर, ताकि धन्यवाद ही वो प्रार्थना है जिसके द्वारा हमारा जीवन बदल जाता है मेरे पिता परमेश्वर, हमारे जीवन का सूखापन चला जाता है मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु हम तेरी बड़ाई नहीं कर सकते मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु तेरे कार्य जो हमारे जीवन में होते हैं मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद का शब्द बहुत छोटा मेरे प्रभु जी, पर हमारे पास देने के इसलिए और कुछ नहीं मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि सब कुछ तेरा है मेरे पिता परमेश्वर। हमारे पास है सर, धन्यवाद है मेरे पिता परमेश्वर। हम जैसे भी जिस तरीके से तेरा धन्यवाद करते हैं आप उसे स्वीकार करें मेरे पिता परमेश्वर। हम जानते हैं प्रभु जी आप दिलों और मनों को जांचने वाले परमेश्वर हैं, और आप ये भी जानते हैं कि ये किस दिल से किस मन से धन्यवाद कर रहे हैं, और आप उसे स्वीकार भी करते हैं पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सभी प्रभु आप बहुत दीन है, बहुत नम्र है मेरे पिता परमेश्वर, अपने बच्चों की हर बात को सुनते हैं प्रभु जी, खासतौर पर जब वो धन्यवाद करते हैं तो आप दिल से खुश होते हैं मेरे पिता परमेश्वर, और उन्हें आशीषों से भर देते हैं मेरे पिता। प्रभु आज का वचन भी जो तुमने मन में डाला मेरे पिता परमेश्वर इसी पर आधारित है मेरे पिता। प्रभु आप दया करना पिता परमेश्वर, आप दया करना मेरे पिता परमेश्वर, बोलने के लिए समर्थ देना मेरे पिता परमेश्वर, मैं ना बोलूँ आप बोले मेरे पिता परमेश्वर, मेरे शरीर प्राण आत्मा पर आपका कब्जा होने पाए मेरे पिता परमेश्वर, सुनने वालों को सुनने वाले काम देना, ग्रहण करने में हृदय देना मेरे पिता, इनके भी शरीर प्राण आत्मा आपका कब्जा हो मेरे पिता परमेश्वर, ताकि शैतान की कोई चाल चली न जाए मेरे पिता परमेश्वर। एक एक वचन एक एक शब्द इनकी हृदय रूपी गोद में गिरे मेरे पिता परमेश्वर, भूमि पर गिरे मेरे पिता परमेश्वर, शैतान चुराने न पाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप दृष्टि बनाए रखना, कृपा करना मेरे पिता परमेश्वर, आप बढ़े हम घटे, आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगता हूँ पिता, सुने और कबूल करें, आमीन आमीन। हालेलुया। मसीहत के दौरान कहते हैं ये जो महीना है ना ये धन्यवादी महीना, ये वाला आखिरी महीना कहलाता है, ये वाला आने वाला नया महीना प्रभु की हैप्पी बर्थडे का या खुशियों का महीना, हर शख्स उसकी खुशियों में शामिल हो जाता है, हर शख्स प्रभु को खुश करने को कोई कार्य करता रहता है। दस महीना प्रभु ने संभाला, कैसे संभाला, किस तरीके से संभाला, हमारे जीवन में हमारे कार्य में हमारे हर तरह की रोजमर्रा की जिंदगी में संभाला परमेश्वर ने, क्या धन्यवाद तो बनता थोड़ा सा होगा। अगर हम बाइबल के तरीके से निकालें तो भजन सीता 92 हम सारा पढ़ते हैं, वो सारा धन्यवाद ही है उसमें, कि परमेश्वर का हर वचन धन्यवाद से शुरू होता है, धन्यवाद पर खत्म होता है, पर इसमें कुछ खास बातें लिखी हैं। इसमें लिखा है यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परमेश्वर तेरे नाम का भजन गाना 92 भजन सीता, प्रातः काल को तेरी करना और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना, दस तार वाले बाजे और सारंगी पर और वीणा पर गंभीर स्वर के साथ गाना भला है, क्योंकि हे यहोवा तूने मुझे अपने काम से आनंदित किया है, मैं तेरे हाथ के काम कारण तेरी मैं जय जयकार करूंगा। हे यहोवा तेरे काम क्या भले हैं मेरे पिता परमेश्वर, तेरी करुणाएं तेरी कल्पनाएं बड़ी गंभीर है मेरे पिता परमेश्वर, पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता और मूर्ख इस पर विचार नहीं करता, कि दुष्ट जो घास के समान फलते होते हैं और सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते हैं, यह इसलिए होता है कि वे श्रद्धा के लिए नष्ट हो जाएं, परंतु हे यहोवा तू सदा विराजमान रहेगा, क्योंकि हे यहोवा तेरे शत्रु नष्ट हो जाएंगे, सब अनर्थकारी तितर बितर हो जाएंगे, परंतु मेरा सींग तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है, मैं टटके तेल से चुपड़ा गया हूँ, मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके और उन कुकर्मियों का हाल जो मेरे विरुद्ध उठे हैं सुनकर संतुष्ट हुआ हूँ। धर्मी लोग तो खजूर के समान फलेंगे फूलेंगे, लेबनान के और देवदार के समान बढ़ते जाएंगे, हे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फलेंगे फूलेंगे, वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे, रस भरे रहेंगे, लहराते रहेंगे, जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है, वह मेरी चट्टान है और वह कुटिलता से कुछ भी नहीं हासिल कर सकता। प्रभु ये तेरी महान कृपा का फल है मेरे पिता परमेश्वर कि हम अब तक जिंदा है मेरे प्रभु। इस साल इतनी बड़ी महामारी आई, इतना बड़ा मरी आई, परमेश्वर ने भजन सीता 92 है अपना 91 में क्या कहा कि मैं भैया के जाल से तुझे बचाऊंगा, बचाया yes. मां मारी से तुझे निकालूंगा, निकाला yes. दाएं और दस पैरों दस सर गिरेंगे गिरे, कोरोना आया पड़ोस में होकर चला गया हमें पता भी नहीं चला, कोरोना आया बगल से निकल गया हमें छुआ भी नहीं, क्यों परमेश्वर क्या कहा, जहां मेरा पवित्र लहू लगा होगा उससे भी लहू में कवर कर दिया, जब मैं लहू में कवर हो जाओगे दाएं और दस बाएं और दस हजार गिरेंगे हमारे बाल मांग रहे, धन्यवाद तो बनता ही है। प्रार्थना नहीं आती मत कीजिए, धन्यवाद तो कर सकते हो,
और धन्यवाद का बलिदान तो खुश होता हूँ। वो कहता है तेरे उपवास से तेरे बलिदान से मैं खुश नहीं होता, मैं तेरे इस प्रेम से खुश होता हूँ। तू किस प्रेम से किस भावना से तू मेरा धन्यवाद करता है। ये लोग कहते हैं कि परमेश्वर सुनता है, परमेश्वर बात करता है। सब परमेश्वर के आगे झुक जाओ, बात परमेश्वर बात करने को क्या कहता है। कहते हैं बोल उठती हैं तस्वीरें, मन से बुलाकर देखिए, दिल की बात जरा प्रभु को सुनाकर देखिए, देता है वो सबकी बातों का जवाब, दुख अपने दिल के उसको बताकर देखिए, होगा एक दिन तुमको भी अपनी किस्मत पर नाज, चरणों में उसके अपने सर को झुकाकर देखिए। झुकाकर तो देखो वो झुके हुए को फल देता है। कहता प्रभु की स्तुति करना, प्रभु की आराधना करना, उसकी महिमा करना। हर बात हम बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? प्रभु तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरा धन्यवाद हो, हर बार बोलते हैं, रोज बोलते हैं, हर बार बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? इसके अलावा कोई शब्द ही नहीं मारे पास। दिलों को जानता है, मनों को जानता है, इसके पास और नहीं है, पर जितना है उतने में तो फेथफुल है। धन्यवाद धन्यवाद तो कर रहा है, प्रार्थना नहीं कर रहा, धन्यवाद तो कर रहा है। प्रभु तू से कबूल कर ले, मैं फल लाता हूं तो कहता मेरा है, मैं पैसा लाता हूं तो कहता मेरे का खजाना है, मैं धूपबत्ती लाता हूं तो कहता मैं घृणा करता हूं, मैं पर्व मनाता हूं तो कहता है चार पर्व पर्वों से मैं थैसे थैसे उकता गया हूं। मैं क्या हूं पिता परमेश्वर? कहते तेरे पास धन्यवाद तो है, तू धन्यवादी हो जा। धन्यवादी होना अपने आभार को परमेश्वर व्यक्त करना है कि प्रभु मैं अपना आभारी हृदय लेकर तेरे पास आया हूं मेरे पिता परमेश्वर, कि तूने सारा साल संभाला मेरे पिता परमेश्वर, भला चंगा रखा मेरे पिता परमेश्वर, कोई बीमारी नहीं आई पिता परमेश्वर, हाँ दुख आया तकलीफ आया, मैंने धन्यवाद की तूने उसमें से निकाल दिया मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु हम पर दया कर, हम पर कृपा कर मेरे पिता परमेश्वर। वो कृपा करने वाला परमेश्वर आज भी हमारे साथ है, आज भी हमारे साथ है, बीमारी से निकाल दिया हमें, हम तक पहुंचे नहीं दिया उसने, जिसका मतलब बीमारी उसकी बात को सुनती है, बीमारी ने देख लिया और उसने कहा कि जहां मेरा पवित्र लहू लगा होगा वहां तू नहीं जाएगी। अरे जब आंधी और तूफान उसकी बात को सुनते हैं तो क्या बीमारी नहीं सुनेगी? आंधी आई तूफान आया, कहते जिस नाव में यीशु मसीह सवार हैं वहां कोई संकट आएगा ही नहीं। चेलों ने कहा प्रभु आंधी या तूफान हम क्या करें? यीशु खड़ा हो गया, नाव में सवार था, जिस नाव में सवार था वहां भी आंधी आई। ये मत सोचना कि यीशु मसीह हमारे जीवन में है तो आंधी तूफान नहीं आएगा, आंधी तूफान आएगा। उन्होंने कहा संकट में मुझे पुकार मैं तेरे सुनूंगा। संकट कहते हैं जिस जगह वो तूफान था, जिस नदी में वो तूफान था, कहते हैं उस नदी में आज भी कहते हैं शैतानी वास है, उस जगह पर आज भी कई तूफान अचानक आते हैं। अचानक भी शांत होगा, जगह शांत होगी, मौसम एकदम तूफानी आए, हवाएं आनी, कहां से कैसे आएगी कोई नहीं जानता। यीशु मसीह वहां से लेकर निकला, नाव में यीशु मसीह सो रहा है और वो लगे पड़े अपनी कभी कोई पतवार बांध रहा है, कोई लंगर डाल रहा है, कोई संभाल रहा है, कोई कैसे कर रहा है, संकट में अपनी अपनी समझ का सहारा ले रहे हैं। जबकि नीति वचन 3:5 कहता है कि अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से उसका भरोसा रखना तो तेरे सारे कार्य पूरे होंगे। अब जब सब कुछ हो गया नहीं हुआ तो देखा यीशु मसीह नाव में सो रहे हैं, सोया पड़ा है। आज हमारी अगर स्थिति ऐसी है तो यीशु मसीह इस नाव में भी सोए पड़े, जगाओ इसे, उठाओ इसे। उन्होंने उठाया यीशु मसीह, उठ देख, तुझे पता नहीं चलता इतना संकट आया है, अब उठाओ उसे परमेश्वर, उठ देख इतना संकट आया है। हमारी दिक्कत क्या, हम उसे उठाते नहीं है, हम दूसरों को जाकर उठाते हैं, हम संसारी के पास जाकर उनको उठाते हैं, और आत्मिकता में आकर उसको उठाते हैं। प्रभु उठ देख, इस संकट से मुझे निकाल मेरे पिता परमेश्वर। कहता तुम्हारा विश्वास ही तुम हमेशा ऊंचे पर उठाएगा। विश्वास कब बढ़ेगा? जब तुम धन्यवाद हो जाओगे। धन्यवाद विश्वास को बढ़ाता है और विश्वास मेरे परमेश्वर को उठाता है। उठाओ उसे परमेश्वर, उठ देख। उठकर उसने क्या बोला, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं अपने विश्वास को क्यों नहीं बढ़ाते तुम? उन्हें जैसे ही हाथ रखा रुक गया, बोला नहीं मुझसे हे आंधी शांत हो जा, हे तूफान शांत हो जा। उसने इशारा किया, बस इतना इशारा किया, तूफान शांत हो गया, नाव बिल्कुल वैसे ही वैसे हो गया। पता नहीं चला कि अभी तूफान था अभी कैसे उजाला हो गया, कैसे हो गया। अंधकार से उजाले में लाने वाला मेरा परमेश्वर है, कब लाएगा? जब हम धन्यवादी परमेश्वर का हो जाएंगे तब परमेश्वर हमारे बीच में आएगा, अपनी सहायता का हाथ बढ़ाकर हमें वहां से निकाल लेगा। धन्यवाद तो कर सकते हैं पूरा साथ हमारे। जब देखा हमने इतनी बड़ी महामारी आई, लोगों को बैग में पैक होते हुए देखा हमने,
अभी भी कुछ दिन पहले हमने देखा अभी बैग में पैक हो के लोगों को लिया जा रहा है, लोगों के मन में एक डर समाया हुआ है कहीं अगला बैग मेरा तो नहीं होगा, कहीं मैं तो इस बैग में नहीं आऊंगा, कहीं मेरे साथ गड़बड़ी नहीं होगी, क्या मेरे घर होता है दुख में गिलाप में नहीं आएंगे। पर परमेश्वर का जब तुम मसीहत में हो, तुम मेरे पास हो, तो मरी आएगी, तुम्हें छुएगी भी नहीं, आएगी मरी, आई है, दस विपत्ति उन पर आई थी। परमेश्वर ने मूसा को कहा तू क्यों मेरी दुहाई देता है बार बार, इन लोगों ने मुझ पर विश्वास नहीं किया, दस मरियों में निपट डाली, उनमें से निकाला, पर ये धन्यवादी नहीं हुई है। अगर ये धन्यवादी हो जाते ना तो 40 साल का सफर 40 दिन का 40 चार दिन में अपना पूरा हो जाता, मैं इसे घुमाता रहा। धन्यवाद हो जाए, अगर धन्यवादी यहां तो कुड़कुड़ा रहे हैं अंदर से, कहते धन्यवाद हो जा हर्ष के साथ, धन्यवाद हो जा खुशी के साथ। पवित्र आत्मा कहता आपको आकर से खाएगा और वो कहेगा धन्यवाद कर। पहले तस्सलुनीकियों 5:18 में साफ साफ लिखा है हर पोजीशन में हर हालात में परमेश्वर का धन्यवाद कर, क्योंकि यीशु मसीह में होकर पिता की यही इच्छा, क्या हम पिता की इच्छा को पूरा कर रहे हैं? धन्यवाद तो हम कर रहे हैं पर अंदर से कुड़कुड़ 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 ये कुड़कुड़ाहट तुझे ऊपर नहीं बल्कि नीचे तेरे को धकेलेगी। तेरे को घर में भी आकर ऐसे होता है, बाजार में भी ऐसे होता है, ऑफिस में ऐसे होता है, दुकानदार में ऐसा होता है, हर बात में कुड़कुड़ 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 लगी रहती है। कहती है यही कुड़कुड़ाहट हमारे जीवन को भी खत्म कर देती है, हमारे जीवन को नष्ट कर देती है, हमारी उम्र को बर्बाद कर देती है। और इसी कुड़कुड़ाहट वजह से हमारा जीवन 120 साल का होना चाहिए वो आज 50-60 साल का हो गया पूरा। ये कुड़कुड़ाहट हमारे अंदर शैतान डालता है कि ये परमेश्वर की राह पर चलते हुए 120 साल ना जिए बल्कि 50-60-40 में ही निकल जाएंगे और मैं इनको चपट्टा मार के ले लूं। मैं कहता है शैतान मुंह फाड़ बैठा है कभी किसे फाड़ का है, पर परमेश्वर उसमें से बचाने की शक्ति हमें रखता है, वो बचाता है, शक्ति रखता है। क्यों? क्योंकि ये मेरा बड़ा धन्यवादी है, ये हर पल धन्यवादी है। ये कहता है धन्यवाद हमारे जीवन को पलट देता है, हालात कैसे भी हो, परिस्थितियां कैसे भी हो, जब धन्यवाद धन्यवाद करते जाते हैं तो हमारे हालात सुधर जाते हैं, हमारे हालात बदल जाते हैं। लोग देख कर 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 कहते हैं इन्होंने ऐसा क्या कर दिया, क्या कर दिया कि इनके हालात इनके बदल गए, किस तरीके से इसका ये जीवन ऐसे ऐसे बदल गया। कहता धन्यवाद शख्स कभी भी ना तो गरीब रहेगा ना गरीबी में कोई सोएगा, घर में विपत्ति भी नहीं आएगी, ना कोई गरीब होगा, ना गरीबी में जिएगा, ना गरीबी में कोई सोएगा। आज हालात कैसे भी हैं या पीछे हमारे हालात कैसे भी थे, हमारा अंत कभी बुरा नहीं है। हमारा वो हमारा बुरा अंत यीशु मसीह क्रूस पर ले लिया, हमारा अंत हमेशा भले ही होगा। वो कहता है मैंने तेरे विषय में जो योजना बना रखी है वो हानि की नहीं वरन लाभ की है, अंत में मैं तेरी आशाओं को पूरा करता हूं। जो कहता है अंत में आशाओं को पूरा करता हूं, इसका मतलब अगर मैं धन्यवाद दूंगा तो मेरा अंत है वो दुखदायी नहीं होगा, मेरा सिर्फ ट्रांसफर होगा और मेरा कुछ नहीं। हर पोजीशन में हर हालात में जब परमेश्वर के धन्यवाद करते जाओ, कहता है धन्यवाद करने के लिए तुम्हारा दिल, तुम्हारा होठ, तुम्हारा हृदय एक होना चाहिए। जबान पे कुछ, दिल में कुछ, कहता है ये नहीं होगा। जो होठ पे है वो दिल में, जो दिल में है वो होठों में हो। धन्यवाद तो कर रहे हैं मगर दिमाग हमारा कहीं और है, परमेश्वर शरण में बैठे तो हैं दिमाग कहीं और है। वो कहता है मेरे लोग मेरे को आते तो हैं, बैठते तो हैं, सुनते तो हैं, पर ना मानते हैं ना चाहते, फिर किस मुझसे मेरी धन्यवाद कर रहे हैं। सिर्फ 5 उंगल, एक हाथ नीचे आ जाओ, देख मैं तुझे ऊंचे पर खा लूंगा। जकई नंगे पेट पर बैठा था, अभिमान के पेड़ पर बैठा था, कितनी उसकी बेइज्जती हो रही थी उसकी। जकई बैठा है, टैक्स कलेक्टर बैठा है, ऊंचे रुतबे वाला बैठा है, शर्म नहीं आती उसको, क्या बेइज्जत होके होके बैठा है, क्या बांदर की अपने तरह बैठा है, क्या पक्षी, कैसी कैसी बात बनाई। पर वो खोज रहा था मेरे अपने परमेश्वर को, परमेश्वर तू कैसा है, मैं देखना चाहता हूँ तू कैसा है। तब यीशु मसीह पास है, उन्होंने क्या बोला, जकई तुझे छोड़कर मैं स्वर्ग को छोड़कर मैं तेरे नीचे आ गया, तू सम्मान का दीक्षा तू नीचे नहीं आएगा, तू नीचे आ जा, देख मैं भाई पिला के इंतजार करूँ तेरा, मैं आ तो सही। आप परमेश्वर को खोजने के लिए निकले, धन्यवाद करें, वो पहले आपको खोज लेगा। वो कहता है मैं ये मेरा नाम नहीं जानता, मैंने उसको भी देखा नहीं है, इसे जकई कहकर मुझे कैसे पुकारा। होठ और दिल सिर्फ इतना नीचे कर दो, मुझे खुद आपको बुलाने को तैयार रखें, मेरा बेटा धन्यवाद कर रहा दिल से, होठों से, दिल और दिमाग और होठ एक ही, जैसा अंदर है वैसा बाहर है। हम दोहरा जीवन जी रहे हैं, हम अंदर कुछ है बाहर कुछ है, अंदर कुछ है हमारे बाहर कुछ है,
होठों से तो कुछ बोलते हैं, अंदर हमारे को कपट भरा हुआ कहता है नहीं मुझे कपट नहीं होना चाहिए, एक ही नल से खारा और मीठा पानी नहीं आ सकता। जगई के मन में ये था, पर जब उसका खोजी बन गया कहता है मेरे पास आने वाले को पहले विश्वास होना चाहिए कि मैं हूं, तब मैं खोजने वाले प्रतिफल देता हूं। जगई तेरा प्रतिफल मैं हूं, मेरे बच्चे आ जा नीचे, आ जा मेरे बच्चे। वो देखकर हैरान हो रहा है इसने मुझे पहचाना कैसे, पहचाना कैसे, क्यों ऊपर चढ़कर वो दीनता में आ गया, अभिमान पर आकर वो नम्रता में आ गया। मेरा परमेश्वर तू कैसा, कितने पाप किए, कितने गुनाह के सारे माफ कर दिए, जब उसको खोजने के लिए वो धन्यवादी हो गया। वो पिता धन्यवाद तुमने मुझे खोज लिया, मैं तो खोजने के लिए जाता पिता, तुमने मुझे खोज लिया, तू मेरे घर चलेगा, आज मेरे घर में उद्धार आ जाएगा मेरे पिता। वो घर में बाद में आया, दिल में उसके पहले आ गया। वो क्या हमारे दिल में यीशु मसीह है? आज हम धन्यवाद तो करें किसका कर रहे हैं और किस मुंह से कर रहे, किस तरीके से कर रहे हैं? जगई आ जा नीचे, बड़ी दीनता में कहा मैं तेरे लिए स्वर्ग छोड़कर नीचे आ गया, तू एक घड़ी नीचे नहीं आएगा, तो मान लो ऋषभ से भी नीचे नहीं आएगा। आया प्रभु, अभी आया मेरे मेरे प्रभु, हाँ जो धरना नीचे आ गया, प्रतिफल उसका था उसने पा लिया। उसने जो मुझसे भी कहा आज इसके घर में उधार आया है, क्योंकि मेरा धन्यवादी हो चुका है। क्या आज हम उस तरीके से उसका धन्यवाद करने को तैयार बैठे जो हमारे जीवन को हर पल बदलने के लिए हमारे साथ अपना रहता है? वो कहता है जब तू धन्यवादी हो जाएगा ना तो जगत के अंत तक मैं तेरा साथ दूंगा, नहीं अनंत काल तक मैं तेरा साथ दूंगा, यहां भी और वहां। बाइबल वचन अधूरा है, कहता अधूरा वचन है, मैं जगत के अंत तक तेरा साथ दूंगा, नहीं परमेश्वर तू अंत तक नहीं, तू अनंत काल तक साथ देने वाला मेरा परमेश्वर है। कब? जब मैं धन्यवादी हो जाऊंगा मेरे परमेश्वर, प्रभु तू दया करने वाला परमेश्वर है। कहता अपने दिमाग को वचन से भर दो अपने दिमाग को वचन से। वो कहता उद्धार का टोप पहन लो, जब उद्धार का टोप पहन लोगे ना तो शैतान तुम्हारे पास नहीं आए कि तुमने उद्धार का टोप पहना हुआ है। कहते जब उद्धार का टोप पहना होगा ना शैतान तुम्हारे सामने से भाग जाएगा, जब यीशु मसीह के पास से भाग गया था, उद्धार का टोप पहन था, बचने की तलवार थी उसके पास, शैतान भी आएगा। यीशु मसीह पास अगर आ सकता है तो हमारे पास भी आ सकता है। लूसीफर जो परमेश्वर के साथ रहता था, गुणगान करता था, जब वो चलता था तो उसके पैरों में से धुन बजती थी, हालेलुया का स्वर निकलता था, बिल्कुल यीशु मसीह परमेश्वर सिंहासन के पास रहता था। जब शैतान वहां से लूसीफर को ला सकता है तो हम और आप कहां हैं? सिर्फ हमारा धन्यवादी जबान होना ही हमें वहां से बचा सकता है। आज हम परमेश्वर की वेदी के पास खड़े हैं, पास बैठे हैं, तो इसका मतलब हम धन्यवादी हैं तभी हम बैठे हैं, हम स्तुति करते हैं तभी बैठे हैं, आराधना करते हैं तभी बैठे हैं, धन्यवाद तभी बैठे हैं, वरना शैतान को आने में देर नहीं। आज हम जितने भी मसीहत में हैं, क्या कोरोना ने किसी को छुआ? अगर छू भी लिया तो निकल के भाग गया, वो टच करके भाग गया, उसको कुछ बिगाड़ नहीं पाया उसका। आप सामने गवाए, बहन बैठी है गवाए पीछे, ये आया बीमारी आई पर छू के वो खुद डर गई, नहीं ये मसीह के बंदे हैं, अगर मैंने कुछ हानि कर दी तो मेरी हानि हो जाएगी। ये शैतान ने गलती से छुआ के कि अगर इसका धन्यवादी होना परमेश्वर के क्रोध को भड़का दिया तो मेरा क्या होगा, उसी पर भाग गया वो। इनके विश्वास इनका पति बच गया। हे नारी तू नहीं जानती तो अपने कुल का उद्धार कर सकती है, तेरे विश्वास से तेरा पति बचाया जाए। इनके विश्वास इनके पति भी बच गए, दोनों को कोरोना ने आकर छुआ आगे, पर डर कर भाग गया वो, क्यों? धन्यवादी थे। अगर धन्यवादी ना होते तो आज शैतान को पकड़ झपड़ के ले जाता वो। अपने दिमाग को वचन से वचन से भर दे, धन्यवादी हो जा। जब मेरा वचन तेरे दिमाग में अंदर जाएगा ना, उद्धार का टोप खुद तेरे अंदर आ जाएगा, वचन की तलवार तो चलानी आ जाएगी तुझे। शैतान ने क्या कहा था यीशु मसीह आके, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को बोल रोटी हो जाए। क्यों बोला उसने ऐसा? क्यों बोला? जो शख्स 40 दिन से भूखा था, आज 2 दिन का इंसान भूखा हो तो उसकी पहली चॉइस क्या होगी? मुझे रोटी मिल जाए, मुझे पेट में गड़बड़ हो रही है, रोटी मिल जाए, भूख बढ़ रही रोटी मिल जाए, उपवास भी खत्म हो जाएगा। 3 दिन से भूखा, 4 दिन से भूखा, पहले रोटी के तरफ जाने भागेगा। जो 40 दिन से भूखा है उसकी तरफ क्या होगी? पर उद्धार का टोप था, वचन को जानता था वो, तलवार चलानी जानता था वो। जैसे उन्होंने कहा परमेश्वर क्या बोला था, निश्चय ये मेरा प्रिय पुत्र है। उन्हें कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस रोटी को बोल पत्थर बोल रोटी बन जाए। फिर दोबारा आया, वचन जानता था, उसने क्या बोला, आने वाले समय में लोग रोटी से नहीं वचन से जीवित रहेगा, जो परमेश्वर मुख से निकलता है। शैतान चला गया, नहीं यहां में दाल नहीं मिलेगी। फिर दोबारा आया,
बार बार आएगा, बार बार आएगा वो। अगर धन्यवाद ही है वचन कला हमारे पास है तो आएगा सही, पर हमारे बाल भी भागा नहीं। कहने जा तेरा भक्त भव लग जाएगा परमेश्वर, वहां दिक्कत तो आएगी, परेशानी तो आएगी, मरी तो आएगी, पर लांग आगे निकलेगी, तेरा बाल भी भागा नहीं। वो बाल भागा ना करने वाला परमेश्वर आज भी हमारे साथ है। फिर शैतान आया, यदि तू मुझे झुक कर सलाम करे तो सारा वैभव मैं तुझे दे दूंगा। आज दुनिया झुकने को तैयार बैठे शैतान के आगे, थोड़ी सी हेराफेरी तो करनी है, गाड़ी आ जाएगी, एक साइन तो करने हैं, कर दिया तो बगला बन जाएगा, एक झूठ तो बोलना है, ये झुक कर सलाम कर दिया। अब तक सच बोल बोल कर क्या मिला? कुछ नहीं मिला। अरे यहां कुछ नहीं मिला, जो वहां मिलने के लिए जा रहा है वो यहां का सुख कितना समय का और कितना जीवन हमारा है, अगले पल का तो भरोसा नहीं। आज हम इंश्योरेंस कराते हैं, बैंक बैलेंस आप अपने बनाते हैं। मैंने आने वाला 20 साल के लिए कहा, मेरा 20 साल के बाद मैं बिल्कुल सेफ हूं, मैंने अपना बुढ़ापा सिक्योर कर लिया, मैंने बचा लिया, मैंने 20 साल, 20 पल का भरोसा नहीं है, 20 मिनट का भरोसा नहीं, 20 सेकंड का भरोसा नहीं है कि मैं अगला पांव रखूंगा, हो सकता है मैं भी खत्म हो जाऊं। शैतान मन में डालता है, तू झुक कर मुझे सलाम कर तो सब कुछ तेरा है। परमेश्वर का अपने प्रभु की उपासना कर, वही तेरे भला है, अपना सब कुछ तेरे आगे दे देगा। पहले राज्य और धार्मिकता की खोज कर, बाकी वस्तु तेरे पीछे पीछे आएंगे, पीछे पीछे। दुनिया उसके पीछे भागती है पर वो आपके पीछे भागेगी। वचन की तलवार आपके पास है, चला गया, फिर आया, यदि तू यहां से गिर जाए, अपने आप को गिरा दे, ऊंचे पर ले गया, दिखाया पूरे, कहता मंदिर का कंगूरे पर ले गए, ऊंचे पाए, पहले शैतान ऊंचे पर लेकर निकल जाएगा, फिर दिखाएगा, अब बोले अब अपने आप को नीचे गिरा दे। कितना गिरेगा और कितना गिरेगा, अब तो सारे गिर चुके हैं, गिरे हैं तभी तो बीमारी में आए हैं, इतना गिर गया कि अपने परिवार वालों को छोड़ दिया, इतना गिर गया कि तलाक की नौबत आ गई, इतना गिर गया कि कर्जे की नौबत आ गई, इतना गिर गया कि महामारी में आ गए, इतना गिर गया कि सब कुछ खत्म हो गया। अपने आप को गिरा दे, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कहता अपने परमेश्वर की परीक्षा मत लेना, उसी के आगे झुकना तो तेरे सारे कार्य सफल होंगे। शैतान भाग गया, भाग गया। वो धन्यवादी था, वो पिता का धन्यवादी था वो। जब हम भी धन्यवादी हो जाएंगे, विश्वास में बढ़ जाएंगे, तो परमेश्वर के चमत्कार को हमारे द्वारा आप सब देखोगे, आपके द्वारा दुनिया देखेगी। तब होगा क्या, कैसा चमत्कार होगा, कैसी बरकत होगी, 2 रोटी और 3 मछली होगी और 5,000 के लोग खाएंगे, बांट के फिर भी बाप बचे, बरकत आएगी, अच्छी बरकत आएगी, ऐसी बरकत आएगी कि दुनिया देखेगी। इतना सब कुछ करते हैं उसके बाद ही सब कुछ है कि उनके पास परमेश्वर, मैं कुछ नहीं तो सब कुछ है, कुछ खर्च सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ करने वाला परमेश्वर आज भी हमारे बीच में खड़ा, सारे काम करने तैयार बैठा, कहता बस धन्यवादी हो जा, विश्वास का धन्यवादी हो जा, क्योंकि तेरा धन्यवाद होना ही मुझे उठाने के बाद परमेश्वर तैयार। अगर ऊंचा उठाना चाहता है तो धन्यवाद हो जाए। दुनिया प्रसाद चढ़ाती है, दुनिया परिक्रमा करती है, हवन करती है, यज्ञ करती है कि हम ऊंचे पर उठ जाए, संन्यास अपना ले लेती है, जंगलों में, वनों में, पहाड़ों में, नदी में, नाले में घुस जाएगी ताकि हमें उधार मिल जाए, हम ये हो जाए, नहीं मुझे नहीं पाता, मुझे सब तेरा धन्यवाद होना मुझे पाता। वो कहते हैं जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा, पर ये कहता है जब जब आप तू मान लेगा मेरे पास आकर, मैं तुझे माफ कर, तेरे गुनाह को देखूंगा भी नहीं, मैंने जगह के गुनाह को भी नहीं अपना देखा, मैंने डाकू गुनाह को भी मैंने नहीं देखा, बस उन्होंने मान लिया, धन्यवाद कर दिया, मैंने खुश हो गया, सारे पाप माफ कर दिए, क्योंकि वो धन्यवादी थे, वो धन्यवाद करते थे वो। क्या तेरा धन्यवाद ऐसा है, क्या होठों से करता है, क्या जबान से करता है, क्या एक हाथ नीचे आया तू, इतना तू नीचे आ गया ना तो वहां तो उठाने मेरे ऊपर सही हो अपनी लगेगी, तू धन्यवादी हो जा, देख मैं तुझे कहां से कहां तक अपना बनाऊंगा। वो जानता था कि इंसान का जीवन पानी का बुलबुला है, वही पानी का बुलबुला बन के हमारे बीच में आया, वो जैसे हम थे वैसा वो बन गया, अपनी शख्सियत को उसने मिटा दिया, स्वर्गीय राज्य को उसने छोड़ दिया, स्वर्गीय सिंहासन को उसने छोड़ दिया, अपने सारे अधिकारों को पीछे पीछे कर दिया और हमारे पास आकर हमारी हर बात को उसने गले से लगाया, उसने मिटा दिया, उसने क्रूस पर दर्द और मौत को उसने ले लिया, क्यों लिया कि मेरे बच्चों को दुख ना आए, बीमारियों को ले लिया मेरे बच्चे किसी दुख में अपना ना रहे, पापों को शापों को उसने मिटा दिया ताकि जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे जो पुरखों के शाप थे वो भी आज खत्म हो जाएंगे,
कांटों का ताज पहन लिया, जो गंदी हमारे दिमाग में है वो खत्म हो जाए, वो वाली हाथों पर फील ठुकवा ली ताकि हमारे हाथ मुबारक हो जाए, आशीषित हो जाए, ताकि वो जो कार्य करता था हाथ को बढ़ा, हम भी कार्य करेंगे तो हम भी आशीषों से भर जाएंगे और द्वार का कदम बन जाएंगे। कदमों को उसने मुबारक कर दिया, कीलों को अपने पैरों पर कील ठुकवा कर, ताकि इनके कदम मुबारक हो जाए, मैं तो नहीं रहूंगा पर ये रहेंगे, मैं इनके द्वारा कार्य करूंगा ताकि जो कदम मेरे मुकाम से अब इनके भी होने को तैयार है, जिस जगह तुम पांव रखोगे वो जगह मैं तुम्हें दे दूंगा, मैं बड़ी बेदारी आ जाएगी वहां, उस बेदारी को लाने वाला मेरा परमेश्वर क्या कहता, सिर्फ धन्यवाद। वो बार बार कहते धन्यवाद, हालात कैसे भी हो, परिस्थितियां कैसे भी हो, हर हालात में परमेश्वर का धन्यवाद कर, क्योंकि यीशु मसीह में होकर पिता की इच्छा है। आत्मा सिखा रही यीशु मसीह में होकर, यीशु मसीह क्या कहता है, मेरे नाम से मेरे पिता के पास जो मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा, और पिता कहता है मेरे बेटे के नाम से मेरे पास आएगा, मैं सब कुछ दे दूंगा उसको मैं। पिता पुत्र को महानता दे रहा है, पुत्र पिता को महानता दे रहा है, दोनों एक है, जब दोनों एक हो जाते हैं तो पिता का हमारी बिना कार्य करता है, बढ़ाता है, बढ़ाता है हमें। यही बात पर मेरे पिता यीशु मसीह ने कही, जब धरती पर आने लगा, जब उसका जन्म अपना होने लगा, प्रभु मुझ पर दया कर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहता बेटे क्या कहना चाहता है, जब मैं शरीर को धारण करूंगा, जब मैं तेरे लोगों के लिए इस कार्य को पूरा करूंगा, तेरे वायदे को पूरा करूंगा, जब मैं धरती पर जाऊंगा, इनकी बीमारियों को अपने ऊपर ले लूंगा, जब मैं कोड़े खाऊंगा ना, मेरे कोड़े खाने में जो विश्वास करेगा तो उनको चंगाई दे देना मेरे पिता। हाँ बेटे ऐसा ही होगा, सहन कर ले पिता। जब मैं अपना लहू बहाऊंगा, मेरा लहू बहाया जाएगा, मेरे लहू के बहाए जाने से जो दुष्टात्माओं का नाश होगा, और लहू के बहाए जाने से और विश्वास से भी जो मेरा पवित्र लहू अपने ऊपर लगा लेगा, वहां दुष्टात्माओं का साया बांध जाएगा, वायदा का परमेश्वर। हाँ बेटे ऐसा ही होगा, जब मैं क्रूस पर मृत्यु को कबूल कर लूंगा, उस समय उनके पीड़ा पीछे जो श्राप है वो श्राप टूट गया मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे बच्चे ऐसा ही होगा, तू जो चाहता है वैसा होगा, मैं तरतना मृत्यु को ले लूंगा, मैं वो बोलता कटोरा पी लूंगा, मैं जानता हूं तू मुझे छोड़ देगा, तू मुझे छोड़ देना, मैं सबको ग्रहण कर लेना मेरे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे बच्चे ऐसा ही होगा, धरती ने देखा, आकाश ने देखा, सरभूतों ने देखा, एक गाय बन गई कि जी कैसा जन्म होने जा रहा है, जो कौन सा जन्म होने जा रहा है, कौन सा जन्म देने के लिए जा रहा है, पिता भी यहां कर रहा है, पुत्र भी यहां कर रहा है, अभी बेटे का जन्म नहीं हुआ, मौत की बातें पहले ही हो गई हैं, मौत पहले ही तय है, क्यों, कोई जीवन हम सबको मिल जाए, पर मुझे जीवन कब मिलेगा, उनको कैसे मिलेगा, मेरे बच्चे जब सभी धन्यवादी हो जाएंगे ना तभी झूठ अपना मिलेगा, तेरा कब्र में जाना, उनको स्वर्ग में आना, मेरा तुझको इनकार करना और उनको ग्रहण करना, तेरा कोड़े खाना बीमारी को चंगाई देना, तेरा लहू बहाना शैतान से छुटकारा देना, तेरा क्रूस पर चलना श्रापों का टूट टूट जाना, तेरा कांटों का ताज पहनना उनका जहन पवित्र हो जाना, ये कब होगा, जब तू मृत्यु को कबूल करेगा तब होगा। हाँ पिता मैं करूंगा, मैं हाँ पिता मैं करूंगा, अगर वो बच्चे धन्यवादी हैं तो मुझे मौत से कोई डर नहीं मेरे पिता परमेश्वर, वो मौत का कटोरा जो मैं नहीं पीना चाहता मैं पीने को तैयार बैठा, मेरे पिता परमेश्वर पर दया कर, प्रभु जी दया कर मेरे पिता, मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे धन्यवादी हो जाए, पूरा साल हर पल हर क्षण धन्यवादी बने रहे, तो प्रभु दया करना मेरे पिता परमेश्वर, रो रो कर परमेश्वर के आगे बोल रहे, रो रो कर बोल रहे और रो रो कर पिता उसको आशीष लिखता जा रहा है, प्रभु इस पर मोहर लगा, नहीं अभी मोहर नहीं लगेगी, पहले तू विश्वास जो कि बनकर दिखा पहले, प्रभु मैं जा तो रहा हूं, हाँ तू जा तो रहा है पर कार्य तो पूरा कर, पर जब तेरी मृत्यु हो जाएगी उसी पर इस पर मोहर लग जाएगी कि मेरा बेटा ये कर क्या है, जब तू वाचा का लोग मेरे पास लेकर आएगा तब तेरा लोग मैं अपने स्वर्ग में लगा दूंगा, उसी पर ये बात पूरी हो जाएगी, क्या करेगा तू ऐसा, इतना दर्द सहेगा तू, हाँ प्रभु ऐसा होगा, मैं अगर मेरे बेटे तेरे बच्चे सारे धन्यवाद होने को तैयार है तो प्रभु मैं करने को तैयार बैठूंगा, क्या हम लगते थे हम उसके, जब हमारा वजूद ही नहीं था, जब हम पैदा ही हुए थे हम जानते नहीं थे, वो हमारी मारा गया गाड़ा गया और नीचे चला गया, क्यों गया, मुर्दों में से जी उठा, जब तक हम पैदा ही नहीं हुए हमारे ऊपर 2000 साल पहले हम में से कोई था नहीं था, और आगे आने वाले पता नहीं आगे कितने हमारा बच्चे आगे आगे आएगा, कौन कौन हमारे किसके नाम से आगे आएगा, परमेश्वर ने कहा मैं उन सबको जानता हूं, मैं इन सबको जानता हूं, मैं जब तुम पैदा होते हो तो एक सितारा जन्म लेता है, उस सितारे को मैं नाम देता हूं और नाम लेकर मैं उसको पुकारता हूं, मैं मेरे बच्चे नहीं सितारे हैं, ये एक ये राज पदाधिकारी है, ये ये राजा की पदवी है, जब राजा पैदा होता है ना तो एक सितारा जन्म अपना लेता है, उनको दिखाने के लिए परमेश्वर ने कहा जब तू पैदा हुआ था ना तो देख सितारा भी पैदा हुआ,
मेरी ज्योति तुझ पर चमकेगी और तेरी ज्योति उस तारे पर आएगी, उस ज्योति को देखकर लोग तेरी स्तुति करने आएंगे, तेरी नहीं स्तुति करें करें। तब मसीह तुम में से झलकेगी और जो तेरे बाद ज्योति चमकेगी, इन सब पर चमकेगी, जितना धन्यवाद होते जाएंगे, ज्योति प्रकाश में होते जाएंगे, और जो कार्य तू करके गया है वो कार्य ये भी करेंगे, तुझसे बड़े बड़े कार्य करेंगे। कब होगा? जब धन्यवाद बनते जाओगे तब होगा। परमेश्वर ने क्रूस पर अपनी जान दी, उठा लिया परमेश्वर ने, कहता है जिस दिन उसने क्रूस पर जान दी, जिस दिन हम परमेश्वर को जान लेते हैं, कितने जानते हैं परमेश्वर को? सभी जानते हैं। कितने पहचानते हैं? कोई नहीं पहचानता। जिस दिन पहचान जाओगे, पहचान बन जाएगी, उस दिन आपका लेवल ऊपर हो जाएगा। आपका जानते सभी है, पर पहचानता कोई नहीं है। वो कहता है मेरी पहचान में आ जा, तेरी मेरी एक पहचान बन जाए, एक रिश्ता बन जाए, पिता पुत्र के जैसा और पुत्र पिता के जैसा। क्या तेरा मेरा वो रिश्ता है पिता पुत्र की तरह? तू मुझे पहचान गया है मेरे बच्चे, पहचान किसा बनेगी? धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर, अब तक समाज धन्यवाद पिता परमेश्वर, समाज से बरकरार के धन्यवाद पिता परमेश्वर, नजरों को तूने पवित्र किया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। लेकिन तेरी आंखें तेरा आत्मा का दिया है, जब तक आंखें पुत्र तेरा दिया तेरा जलता रहेगा, पर दिए को जलाए रखना मेरे मेरे पिता परमेश्वर। तू दया करना मेरे प्रभु जी, तू दयालु है मेरे प्रभु जी, तू हर पल धन्यवादी है पिता परमेश्वर, हम धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर, तू पिता का धन्यवाद है, मैं तेरा धन्यवादी हूँ पिता परमेश्वर। हमारे सारे गुनाह, सारे पाप, सारे शादी धन्यवाद के द्वारा कटने शुरू हो जाते हैं, पर जान बुझ कर पाप कहता जो अपने पापों को मान लेता और छोड़ भी देता है, उसके साथ के सारे काम सब किए जाते हैं। क्या मेरा धन्यवाद होना इतना जरूरी है कि मैं परमेश्वर के नाम को अपने जानू, मैं परमेश्वर के नाम को मानू, मैं परमेश्वर हर पल हर क्षण हमारे साथ, वो कहता है मैं तेरा बल हूं, मैं तेरी ताकत हूं, मैं तेरा बल हूं, मैं तेरी ताकत हूं। अगर मैं तेरा बल नहीं, मैं तेरा ताकत नहीं, ना तू मुझ में ना मैं तुझ में, ना तू मुझ में ना मैं तुझ में, क्योंकि तूने मेरे बल को अभी देखा ही नहीं, तूने मेरी ताकत को समझा ही नहीं, तू धन्यवादी हुआ ही नहीं। अगर मैं तेरे साथ हूं तो तेरा बाल भी कोई बांका नहीं हो सकता। किसने कहा था धन्यवाद करो? कब कहा था? कब हम धन्यवादी बने? सब बहुत आत्मा ने आगे सिखाया कि परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि पिता इसके धन्यवाद, आपके धन्यवाद इसके द्वारा खुश होगा। क्या हम परमेश्वर खुश करने के लिए तैयार बैठे? संसार कहता है चिंता चिता समान है, सब जानते हैं ये बात, सबको याद है, पर बाइबल की बात किसी को याद नहीं है। बाइबल क्या कहती है? संसार की बातें हमारे जहन में उतर जाएंगी, चढ़ी रहेगी, करते रहेंगे, पर बाइबल हमें क्या सिखाना चाहती है? ना हम जानते हैं, ना मानते हैं, ना हम उसको छोड़ना चाहते हैं। परमेश्वर हम पर दया कर पिता परमेश्वर, तेरा वचन क्या सिखाता पिता परमेश्वर, तेरा वचन क्या बात करता मेरे पिता परमेश्वर, तेरे वचन के द्वारा मुझे किसान आशीष मिला मेरे प्रभु जी, उस पर दया कर। वचन हर पल हमारे साथ है, वचन ही हमारी, वो कहता है वचन वो जीवन की रोटी है। दुनिया में रोटी की जरूरत है शरीर के लिए, तो इस रोटी की जरूरत है अपनी आत्मा के लिए। आत्मा मजबूत हो जाए, आत्मा बलवंत हो जाए, आत्मा स्ट्रांग हो जाए, ताकि पिता से मेरा कनेक्शन एक जैसा हो जाए, हम पिता पुत्र और पिता पुत्र पिता में लीन हो जाए। कहता आत्मा और परमात्मा लीन होते हैं तब परमात्मा बनता है, परमेश्वर वो परमात्मा हम बनना चाहते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह मार्था के घर में गए, मरियम के घर में गए, मरियम परमेश्वर के पास आकर बैठ भी आ गए। परमेश्वर मैं तेरा वचन सुनना चाहती हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे घर में आए पिता परमेश्वर, और मार्था काम कर रही है और कुड़कुड़ा रही अंदर से, इतने लोगों का खाना तैयार करना है, 12 चेले हैं, गली मले के लोग आए और संगति साथ आई है, मैं अकेली कहाँ तक प्रणन करूँ मैं, और मेरी बहन परमेश्वर के चरण में जाकर बैठ गया। प्रभु इसे समझा, इसे सिखा, मेरी सहायता करे। परमेश्वर ने क्या बोला? इसने उत्तम स्थान चुन लिया है जो छीना नहीं जाएगा। हे मार्था, ओ मार्था, तू अपना कार्य कर। जब आत्मा और आत्मा के बीच में कोई दखल अंदाजी करता है ना, परमेश्वर को बर्दाश्त नहीं होता। वो साफ कहता है, हे भाई निकल यहां से, हम दोनों एक हो चुके हैं। हे बेटी चल, हम दोनों एक हो चुके हैं। ये आत्मा में परमात्मा परमात्मा बन चुके हैं। अगर तूने बनना तो पास आके बैठ जा, वरना तू उधर हम इधर। परमेश्वर का कार्य है ये, वो किसान पक्षपात नहीं करता। अगर पक्षपात करना होता मरियम तेरी बहन आ जा, तू भी आ जा, आ जा प्रचार करते ये यीशु मसीह। प्रभु आपकी माँ और भाई बाहर खड़े हैं, उन्हें इज्जत से ले आए, रास्ता साफ करें, कुर्सियां लाए। कौन कौन मेरी माँ, कौन मेरा भाई? मेरे माँ और भाई वही है जो यहाँ संगति में बैठे हैं, मैं नहीं जानता उनको।
पक्षपात करना होता तो कहता हाँ हाँ इज्जत से लेके आओ, बैंड बाजे से लेके आओ, या दरी बिछाओ, कुर्सियां बिछाओ, मेरी माँ मेरे पास आके बैठे सुने भी देखो बेटा कैसे प्रचार कर रहा है। आज हमारे जीवन में ऐसे ही होता है, रिश्तेदार सारे मेरे यहाँ बैठेंगे, संगति वाले वहां बैठेंगे, क्योंकि पता चले कि मैं कैसे प्रचार कर रहा हूं। मैं हम पक्षपात करते हैं, उन्होंने कोई पक्षपात नहीं किया। मार्था बोल दिया, मार्था कहते जीवन तीन बार परमेश्वर ने दो दो नाम कहे बैठे, अब्राहिम ओ अब्राहिम, मूसा ओ मूसा, मार्था ओ मार्था, दो दो बार नाम पुकारा परमेश्वर ने। मार्था को दो बार नाम पुकारा, अब्राहम को दो बार नाम पुकारा, मूसा को दो बार नाम पुकारा, पत्रस को भी दो बार नाम पुकारा। पत्रस ओ पत्रस, सुबह मुर्गे की बांग से पहले तीन बार इनकार कर चुका होगा। मार्था ए मार्था, तू बेकार बातों पर अपना बोलती है, तुमने चुन लिया है। अब्राहिम वह अब्राहिम, तूने जो मेरे अपने लिए मेरे लिए अपने बेटे का बलिदान किया है, तेरे वंश के लिए मैं बेटा भी चुनूंगा, उसका बलिदान करूंगा। मूसा भी बोला उन्होंने, जो ज्ञान मैं तुझे दूंगा, जो बातें मैं तुझे सिखाऊंगा, तुझे को नहीं सिखा पाएगा। दोस्तों से बात करता है, एक रिलेशन था, दोस्तों की तरह बात करता था। जब बात करके आता था तो एक चमक आ जाती थी, दुनिया वाले कहते थे मूसा अपने मुंह को ढकले, वो प्रकाश अंदर बर्दाश्त नहीं होता। क्या वो प्रकाश आज हमारे और आपके बीच में है? क्योंकि मूसा धन्यवादी था, वो धन्यवाद करके जाता था, धन्यवाद करके आता था, सुनता था परमेश्वर की बातों को। क्या हम सुनने को तैयार है? वो सुनने के आज हमारी बाइबल हमारे पास है, हम सुनते नहीं है। जिस दिन कहते हैं जिस आज बाइबल हमारे पास है, वचन हमारे पास है, हम सुनने को मानने को तैयार नहीं है। एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ से हट जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लोगों ने बाइबल लोड कर रखी है मोबाइल के ऊपर, एक दिन ऐसा है नेटवर्क भी खत्म हो जाएंगे, सब कुछ व्यस्त हो जाएगा। तब लोग ढूंढेंगे वचन कहाँ है, परमेश्वर कहाँ है तो कदर नहीं है, जब नहीं है तो कुछ नहीं। कहते यीशु मसीह अंधकार में से ज्योति बनकर आया, वचन देहधारी हुआ। उस वचन को घर वालों ने कबूल नहीं किया, पर जब वो चला गया तब यहूदियों से पहले हाँ ये परमेश्वर का पुत्र था जो चला गया। अच्छा वचन निकल जाएगा तब लोग ढूंढेंगे कि वचन बताने वाले का, हमें वचन दो, परमेश्वर की बात आगे को बताओ, परमेश्वर क्या कहना चाहता था, क्या कहना चाहता है। उस वक्त वचन नहीं होगा, लोग अपनी मूर्तियां उठा उठा कर फेंकेंगे, परमेश्वर के पीछे भागेंगे। वो समय आने से पहले परमेश्वर क्या बोला, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से ना उतरे। ये निकल जाएगा, सबको निकल जाएगा, इसमें तो समाया रहेगा। प्रभु तेरा वचन जमने की रोटी है, इसमें से और पिता परमेश्वर बीज निकले, पिता परमेश्वर बोने वाले को बीज दूंगा, खाने वाले को भोजन दूंगा मैं, ये एक एक वचन इसमें सब आ जाएगा। पिता परमेश्वर हम सब तेरी चलती फिरती बाइबल बन जाए मेरे पिता परमेश्वर, हम इसके मोहताज नहीं है मेरे पिता परमेश्वर, हम तेरे मोहताज है पिता परमेश्वर, की तेरी एक एक वाणी हमारे जिस्म आ जाए मेरे पिता परमेश्वर, हमारे अंदर प्रवेश कर जाए मेरे पिता परमेश्वर, कि हम तीन हाथ आगे बढ़ते जाए मेरे प्रभु जी, हम बढ़ते खाना मिल जाओ। वो दयालु परमेश्वर है, वो दया करने वाला परमेश्वर है। वो अंधकार में ज्योति बनकर आया और ज्योति आपको बनाना चाहता है। क्या आज हम ज्योति बनने को तैयार हैं? सब सुनकर हाँ हूं करने से कुछ नहीं, परमेश्वर मैं करना चाहता हूं, एक डिजायर मन में रखो, मैं करना चाहता हूं, मैं बढ़ना चाहता हूं, उस पर दया कर, मेरे कदमों को मुबारक कर दे मेरे पिता परमेश्वर, मुझे धन्यवादी जबान दे दे मेरे पिता परमेश्वर। अब तक धन्यवाद नहीं किया पिता परमेश्वर, तो आज के बाद मैं धन्यवादी हो जाऊं मेरे पिता परमेश्वर, ताकि तेरी उस महिमा को देख सकूं, उस महिमा का बादल को मंडाते हुए देख सको पिता परमेश्वर, जो महिमा का बादल मुझ पर आने वाला है पिता परमेश्वर, वो अनुग्रह की छाव में आने वाली है मेरे पिता परमेश्वर। वो कहता बड़ी दीनता के साथ मेरे हाथ के नीचे बना रहा है, सही समय पर तुझे मैं खड़ा करूंगा। सही समय आने का कब, सही समय कब आएगा? हम लोग सही समय इंतजार नहीं करते, हम पर परमेश्वर जल्दी हो जाए, अभी हो जाए, परमेश्वर का जल्दी एक काम शैतान का काम है, पर मैं बड़ी दीनता के साथ तभी लेके जाऊंगा। मैं बस बना रहा तुम्हें हाथ के नीचे, छाव के नीचे, देख मैं कहां से कहां से उठाने को तैयार बैठूंगा। कहता हमारा धन्यवादी होना छह बातों को प्रकट करता है, छह बातें हैं, यानी कि छह गुण, छह बातें वचन के द्वारा परमेश्वर ने सिखाया कि हम अगर धन्यवादी होते हैं। कहता धन्यवादी कोई आपकी काम नहीं है, हम आत्मा के काम को पूरा कर रहे हैं, हम धन्यवादी हो रहे हैं। कहते कोई आपकी काम नहीं है, ये जब परमेश्वर के वचन को पूरा करना है। जब आप पहला सूर्य पानी का खाना परमेश्वर कह रहे हैं, हर हालात में हर स्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद कर, पिता में होकर यीशु में होकर, पिता की यही इच्छा है, पिता की इच्छा है कि ये वचन पूरा हो जाए। आदमी कार्य नहीं कर रहे, हम वचन को पूरा कर रहे हैं, हम धन्यवाद मेरे पिता। अब तक समाया धन्यवाद पिता परमेश्वर, रात को मैं सोया सुबह उठ गया धन्यवाद पिता परमेश्वर। रात को कितने लोग हैं जो सोए सुबह उठे नहीं, पर तूने सोए सोए मेरी सांसों की रक्षा की, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। परमेश्वर ने कहा भजन सीता 139 की आयत 4 में, मैंने अद्भुत रीति से
बड़े भयानक रीति से तेरी रचना की है तूने। उसकी छठी आगे परमेश्वर का, मैंने तेरे भिडोल तत्व को देखा मैंने। अब भयंकर परिस्थिति कौन सी होती है, बड़ी भयानक रीति से तेरी रचना की है। भयान रीति ये तो नहीं कि परमेश्वर बड़ा रूप लेके आ गया, मैं डर गया, डरते डरते मैंने देखा क्या हो रहा है ये। अद्भुत तरीके से माँ के गर्भ के अंदर जब मेरी रचना हुई, मेरी आंखें कैसे बनी, एक एक बाल मेरा कैसे आया, नसें कैसे आ गई, उसके अंदर खून कैसे आ गया, दिल की धड़कन कैसे धक धक करने लगी, सांसें, माँ खाना खाती है पेट में हमारे आ जाता है, अद्भुत रीति से। और परमेश्वर कहता है उस पल मैं एक सुपरवाइजर की तरह सामने बैठकर दी रचना कर रहा था। कैसी रचना कर रहा था, आंखें थोड़ी सी सीधी हो जाए, थोड़ी अगर नीली हो जाए तो बेटी बहुत सुंदर लगेगी, नहीं रंग थोड़ा सा सावला, थोड़ा सा लाइट हो जाए, इसको थोड़ा लाइट करो, इसको हाथ थोड़े से उंगली थोड़ी सी लंबी हो जाए ताकि जो नाखून आएंगे ना वो बड़े ब्यूटीफुल होंगे, उसमें इसके पाँव ऐसे नहीं ऐसे कर दो सीधा थकिए सीधे चले कि इधर उधर ना भटकने पाए, जब परमेश्वर का कार्य था। इसके बाल घने नहीं, इसका थोड़े चितरे हो जाए, इसके बाल इतने घने हो जाए कि बिल्कुल काले हो जाए, तो बहुत अच्छी लगे जी मेरा बच्चा, इसके दिल की धड़कन इस तरह रख दो कि जब ये धड़के मेरे लिए धड़के। मैं देख रहा था तेरे को, तेरे रचनती हो रही थी परमेश्वर, तू मुझे देख रहा पिता परमेश्वर, मैं तुझे देख रहा पिता परमेश्वर, हाँ मैं तुझे देख रहा था क्योंकि तू मेरी सृष्टि है, तू मेरे जीवन में अनमोल है, मैं तुझे प्यार किया है, प्यार किया तभी तो तेरी रचना हुई तेरी, अब तक तुझे संभाला है, रचना मैंने तो तेरी की है, अपनी सांस मैं तेरे अंदर डाली थी। जब परमेश्वर ने सांस डाली थी मानव के अंदर, तब परमेश्वर झुक गया था। एक मिट्टी का पुतला जब बनता है ना, आजकल तो सरिये डाल के सीमेंट डाल के कुछ उसको जोड़ जाड़ के तब मिट्टी का पुतला खड़ा करते हैं, पहले कुछ सरिया था नहीं, लेटा हुआ पुतला पहले बनता था, पहले जब वो सूख जाता था फिर काट के उसको खड़ा करते थे उसको। जब परमेश्वर ने मिट्टी का पुतला बनाया, कहते उसमें सांस डाल दी, सांस ऐसे नहीं ऐसे कि सांस आ गई, परमेश्वर घुटनों में आ गया, पुतले आगे झुक गया, मुंह के साथ मुंह मिला दिया, मुंह समझ इतना झुक गया मेरे लिए, परमेश्वर तू झुक गया, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, और मैं इतना अकड़ गया, लानत है मेरे पास परमेश्वर, मैं इतना अकड़ा हुआ मेरे पिता परमेश्वर, मैं अकड़ के नहीं मैं भी झुक जाऊंगा मेरे पिता, क्योंकि तूने झुकना सिखाया मेरे पिता परमेश्वर, मुझे झुका हुआ बना मेरे पिता, तूने कहा झुका हुआ शख्स ही फल लाता है पिता परमेश्वर, मैं फल बनना चाहता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, दुनिया के फल कुछ भी हो पर मेरे फल दीनता नम्रता संयम उदारता विशाल योग्यता हो मेरे पिता परमेश्वर, मुझ पर दया कर पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद हूँ मेरे पिता परमेश्वर, मेरे मुंह से धन्यवाद के हटे ना मेरे प्रभु जी, मुझ पर दया बनाए रखना कृपा करना मेरे पिता परमेश्वर, आप मांगो वो देगा। क्या हम धन्यवादी हैं क्या, जो मेरे लिए झुक गया रचना करने के लिए, मैं झुक गया, वो झुक कर सिंहासन छोड़कर धरती पर आ गया, घुटनों में आ गया मेरे लिए, और हम घुटनों में आते नहीं है क्यों, किस लिए, बड़ी बड़ी बातें बहुत करते हैं पर हम झुकने को तैयार नहीं होते। एक बार कहते तो झुक गया तो तुझे ऊंचे पर मैं उठाऊंगा, ऊंचे उठाने के लिए मैं खड़ा हूं, तो झुक तो जाए करी, जब कहीं झुका था ना देख ऊंचे पर कर, वो डाकू झुका था ना जगह में, उसको ऊंचे पर खड़ा कर उसको मैं खुद हाथ पकड़ा स्वर्ग में, उसको उसको लेकर गया मैं, मैंने कहा था आज ही मैं स्वर्ग, तब गया वो तीन दिन के बाद था, उसने बोला आज इस मेरे साथ स्वर्ग होगा, क्योंकि परमेश्वर कल का परसों का नहीं वो आज का परमेश्वर है, वो हर बात को आज करके बोलता है, भले तीन दिन के बाद गया पर उसने आज उसको बोला, उसने इंतजार किया और मेरा परमेश्वर आ रहा है लेकर जा रहा है, जब हाथ पकड़ के उसका स्वर्ग में गया होगा तो कितनी जयकार, क्योंकि पुण्य आत्मा आ रही है मेरे यीशु मसीह के साथ, पिता भी खड़े हो गए होंगे, ये किसको लेके आया है, ये कौन है, ये इतना अच्छा तेज है इसके ऊपर, क्यों तेज है, क्योंकि यीशु मसीह सारे गुनाहों को क्षमा कर दिया था, और माफ करने का अधिकार यीशु मसीह के पास है, जो क्रूस पर उसके पापों को क्षमा कर सकता है, तो क्या हमारे पापों को क्षमा नहीं करेगा, कहता जब जब तू अपने गुनाहों को मेरे पास आकर मान लेगा, मैं अपने लहू से धोकर शुद्ध कर दूंगा, पवित्र कर दूंगा, तेरे गुनाहों को देखूंगा भी नहीं, अपने पीठ के पीछे, क्यों हम धन्यवादी हो गए। धन्यवादी होने का पहला गुण वचन के साथ, धन्यवादी वो हथियार है जो हमें संकट से बचाता है, पहला अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, धन्यवादी पहला वो गुण है जो हमें संकट से बचाता है। भजन संहिता 50 का 14 और 15 में लिखा है, प्रभु का धन्यवादी बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए उसकी मनते को पूरा कर, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू मेरी महिमा करने पाएगा। धन्यवाद वो हथियार है जो हमें संकट से बचाता है, कैसी भी दिक्कत हो कैसी परेशानी हो, बस धन्यवाद पिता परमेश्वर,
धन्यवाद पिता परमेश्वर, मेरे मुंह से तेरी महिमा कम ना हो मेरे पिता परमेश्वर, चाहे संकट भी आ गया, दिक्कत भी आ गया, जब आंधी और तूफान को तूने रोककर संकट से निकाला था, इस आंधी में तू मुझे निकालेगा मेरे पिता, धन्यवाद मेरे यीशु मसीह। दूसरा, धन्यवाद हमें जीवन देता है। भजन गीता 69:30, मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूंगा और धन्यवादी करता हुआ तेरी बड़ाई करूंगा। हम जितना धन्यवाद करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं, हमारा जीवन जो जो बढ़ता जाता है, वो जीवन में बढ़ोतरी आती जाती है। जीवन हर पल हर क्षण डे बाय डे हम प्रोस्पेरिटी को देखते हैं, समृद्धि आती है, हम ऊंचे पर उठाए जाते हैं, हम कभी नीचे नहीं जा ना पीछे मुड़ के देखे हमारा पीछे ना जीवन कैसा था, वो कहता तेरा मैं जीवन दूंगा तुझे, मैं बहुतायत का जीवन दूंगा तुझे, मैं कब दूंगा जब तू धन्यवाद होता जाएगा। तीसरा, धन्यवादी शख्स को कभी शैतान छू भी नहीं पाता। जब धन्यवादी होते हुए हम जगह जगह जाते हैं, हर पल धन्यवाद करते हैं, यहाँ तक भवन में भी आते हैं तो धन्यवाद साथ प्रवेश करते हैं। भजन सीता 100:4 में लिखा है, उसके पाठकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यीशु मसीह हर पल हर क्षण हमें जीवन देने वाला है। धन्यवाद 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 करता हुआ शैतान आपके आगे भी नहीं आएगा, क्योंकि पता है मैं धन्यवाद कर रहा है, अगर मैं इसके आगे आ भी गया, परमेश्वर के सरदूत इसका छावनी बनाए चारों तरफ खड़े हैं, अगर उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने मेरे को परेशान कर दिया, तो परमेश्वर की नजर इसके ऊपर धन्यवाद कर रहा है, ये धन्यवाद सीधा परमेश्वर के दरबार में अपना जा रहा है, परमेश्वर के कान धन्यवाद के लिए खुले हुए हैं, ये पता चल के शैतान उसके पास आया है तो मेरी क्या हालत होगी, मैं मारा जाऊंगा मैं, जब शैतान कभी आपको छुएगा नहीं। चौथा, धन्यवाद से हमारे जीवन का सूखापन चला जाता है। भजन सीता 51:2-3 में लिखा है, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर, मैं अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में बना रहता है। जब हम अपने पापों को मान लेते हैं, अपने अधर्मों को मान लेते हैं, तो हमारे जीवन की हर कमी घटी को वो दूर कर देता है, हमारे जीवन में हर पल हर क्षण एक समृद्धि आती है। हम जब धन्यवाद करेंगे वहां समृद्धि आ जाएगी, कैसे, 2 रोटी 3 मछली से 5 आदमी खा जाएंगे, हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, समृद्धि इतनी होगी कि ना होते हुए भी हमारे पास सब कुछ हो जाएगा, और घर में कोई आ भी गया ना वो भूखा जाएगा ना भूखा रहेंगे। हम पहले दुआ बोलते थे, हे प्रभु इतना दीजिए जहां मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा साथी ना भूखा जाए, वो बात आज वचन के द्वारा पूरी होती है। कभी सूखापन कभी हमारे जीवन में नहीं आएगा। पांचवा, धन्यवाद हमारे जीवन को बढ़ाता जाता है। जर्मयाह 30:19-20, तब उसमें से धन्यवाद कहने और आनंद करने वाले का शब्द सुनाई पड़ेगा, मैं उसका वैभव बढ़ाऊंगा और वह थोड़े ना रहेंगे। गुणात्मक तरीके से वो बढ़ाएगा, वो यानी 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4, 4 का 5 नहीं, 2 दुनी 4, 4 दुनी 16, 16 दुना 32, 32 दुना 64, ऐसे 7 का 70 गुना प्रभु आपको बढ़ाता जाएगा, क्योंकि आप धन्यवादी हो, बढ़ाएगा गुणात्मक तरीके से, गिनती 1, 2, 3, 4, 5 करके नहीं, 2 दुनी 4, 4 चौक 16, इस तरीके से डबल पे डबल, अगर 2 पे डबल हो गए 4 पे 4 गुना, 16 पे 16 गुना, 32 पे 32 गुना, 28 पे 28 गुना, बढ़ाता रहेगा 7 का 70 गुना। परमेश्वर धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, अगर जीवन में बढ़ना है तो एक ही शब्द है, तो धन्यवाद होते जाओ। छठा और आखिरी है, धन्यवाद करना हमारे बहुतायत के द्वार को खोलता है, आशीषों को खोलता है। 2 कुरिन्थियों 4:15 में लिखा है, सब वस्तुएं तुम्हारे लिए हैं ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद को बढ़ाए। हमारा धन्यवाद करना, हमारी महिमा करना, प्रभु की स्तुति करना, प्रभु की उपासना करना, वचन को पढ़ना, वचन में बने रहना, परमेश्वर कहता है तेरे लिए बहुतायत के द्वारों को खोल दूंगा। मलाकी 3:10-12 क्या लिखा है, तेरे स्वर्ग झरोखे खोल दूंगा, अपन पर चीजों की वर्षा करूंगा, वर्षा होगी तेरे ऊपर, और समय पर तेरी भूमि पर मैं बरसाऊंगा, नहीं समय से पहले भूमि पर मैं बरसाऊंगा, तेरे किसी बात की कमी घटी ना आए। बस वो यही कहता है कि प्रभु को प्लान को, प्रभु की योजना को समझने की कोशिश करो कि परमेश्वर आपके साथ क्या करना चाहता है। वो बार बार आपके लिए कहता है तेरे विषय में मैं जब कल्पनाएं करता हूं वो हानि की नहीं वरन लाभ की है, अंत में मैं तुम्हारी आशाओं को पूरा करूं, आशाओं को पूरा करूं। आज भी परमेश्वर
हमारे बीच में है। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर हमें धन्यवाद इस जबान दे पिता परमेश्वर, ताकि तेरी राह पर चलते पिता परमेश्वर हम हमेशा धन्यवाद दे रहे हैं। हालेलुया रे बाबा कशी की बेरिया मारा ला रहा शखंदा रा ला रहा प्रभु तेरी स्तुति तेरी महिमा हो प्रभु जी, आप बड़े हम घटे मिले आप दया करें मेरे पिता, दया करें मेरे पिता परमेश्वर, दया करें मेरे पिता परमेश्वर, हम आपकी दया के पात्र मेरे पिता परमेश्वर, हमें धन्यवाद जबान धन्यवादी होना सिखा मेरे पिता परमेश्वर, अब तक तू सब कुछ संभाला मेरे पिता परमेश्वर, मसीहत को हमने बदनाम किया मेरे पिता परमेश्वर, पर प्रभु मसीहत बदनाम होने के लिए नहीं, मसीहत तो एक पवित्रता है मेरे पिता परमेश्वर, जिस पवित्रता में तो हमें लेकर चलता है मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु लोगों ने मसीहत को तार तार किया पिता परमेश्वर, हम उस तार से जोड़ने पाए मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु आप दया करें कृपा करें मेरे पिता परमेश्वर, हमें धन्यवाद होना सिखा मेरे पिता परमेश्वर, हम जानते हैं हम जितना धन्यवादी होते जाएंगे पिता परमेश्वर हमारी समृद्धि और बढ़ती जाएगी पिता परमेश्वर, प्रोस्पैरिटी बढ़ती जाएगी मेरे पिता परमेश्वर, बरकत आती जाएगी मेरे पिता परमेश्वर, और तू खुश भी धन्यवाद से होता मेरे पिता परमेश्वर, तुम्हारे बलिदान से खुश भी होता पिता परमेश्वर, तुम्हारे स्थिर प्रेम से खुश होता मेरे पिता परमेश्वर, वो प्रेम हमें बने पिता परमेश्वर, हम धन्यवादी बने मेरे पिता परमेश्वर, आज धन्यवाद की जबान दे धन्य हृदय दे मेरे पिता परमेश्वर, हम प्रभु होठों से नहीं हृदय से धन्यवाद करें मेरे पिता परमेश्वर, हम एक हाथ नीचे हो जाएं तो प्रभु दूसरा छोड़कर नीचे आने को तैयार बैठा मेरे पिता परमेश्वर, बाहों में लेने को तैयार बैठा मेरे पिता परमेश्वर, हमें दीनता में नम्रता में संयम लेकर चल मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हमारे अंदर वो फल है पिता परमेश्वर जो फल तो देना चाहता मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु उस प्रेम का उदारता का विशाल योग्यता का सहनशीलता का संयम का नम्रता का ये फल हमारे अंदर आए मेरे पिता परमेश्वर, हम पर दया करने हैं प्रभु, तू दयालु है तू दया का सागर है, प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, अब तक तूने हमें संभाला मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु तूने कहा अविश्वास कोरोना से भी ज़्यादा भयंकर है, हम अविश्वास में नहीं पर विश्वास में बढ़ना चाहते मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु अब तक तूने हमें जय दिलाई है मेरे पिता परमेश्वर, तूने हमारे कदमों को मुबारक किया मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु कोरोना आया बगल में से निकल गया, कोरोना आया फोन में चौक निकल गया, तुझे छुआ भी नहीं मेरे मेरे पिता परमेश्वर, क्यों? क्योंकि तेरा अनुग्रह भरा हाथ हमारे सिस्टर के ऊपर था मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु हमने जितना भी धन्यवाद किया आज से धन्यवाद और बढ़ जाए मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद और बढ़ जाए मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हम हर पल हर क्षण हर समय धन्यवादी रहे मेरे पिता परमेश्वर, ताकि तेरी महिमा हमसे और हम में से होने पाए मेरे पिता परमेश्वर, आप दया करना कृपा करना मेरे पिता परमेश्वर, आप दयालु हैं हर पल हमारे साथ है, प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर है पिता, मैं तुम्हारा धन्यवाद करना तेरी आशीष तेरी बरकत को चाहता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, इस समय चित्र में सुन रहे मेरे पिता परमेश्वर, इन सब पर तेरा अनुग्रह बरसे मेरे पिता परमेश्वर, तेरी महिमा बरसे मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु ये स्तुति में प्रार्थना में आराधना में आगे बढ़ते हैं मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि स्तुति महिमा आराधना भी धन्यवाद दूसरा रूप है मेरे पिता परमेश्वर, इन्हें धन्यवाद होना सिखा मेरे पिता परमेश्वर, आज के बाद तक उनका धन्यवाद और बढ़ जाए मेरे पिता परमेश्वर, और बढ़ जाए मेरे पिता परमेश्वर, ताकि जो और चाहिए बढ़ जाए मेरे पिता परमेश्वर, और तेरी महिमा करने पाए प्रभु, ऐसा ही होने पाएगा क्योंकि आपने कहा है प्रार्थना में विश्वास जो कुछ मांगे, आज हमने प्रार्थना में ये मांगा मेरे पिता परमेश्वर, हमें धन्यवाद होना सिखा मेरे पिता परमेश्वर, हमें धन्यवाद जबान दे मेरे पिता परमेश्वर, ताकि तेरी राह पर बढ़ते जाए पिता परमेश्वर, वो राह जो तूने दिखाई है प्रभु जी, तूने कहा राह यही है इसी पर चलो, मार्ग यही है इसी पर चलो, क्योंकि मार्ग भी मैं हूँ सत्य भी मैं हूँ जीवन भी मैं हूँ, जिस मार्ग पर सच्चाई से चला तो जीवन मैंने पाया, वो जीवन मैं तुम्हें देना चाहता हूँ हाँ मेरे पिता परमेश्वर, वो जीवन हमें धन्यवाद के द्वारा मिलने के लिए है पिता परमेश्वर, धन्यवाद वो रास्ता मेरे पिता परमेश्वर जो जीवन तब मैं पहुंचाता मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने कहा कि तेरा धन्यवाद होना ही तेरे जीवन को बढ़ाता है, धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, आदरणीय आपको देता हूँ यीशु मसीह के समर्थी नाम से दुआ को मांगता हूँ पिता, सुने और कबूल करें, आमीन 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 हालेलुया, प्रभु आपको आशीष दे, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद।